नगर आयुक्त के निर्देशानुसार प्रतिबंधित पॉलीथीन पर अभियान चलाते हुए प्रवर्तन दल को सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महुआ बंदे पर ट्रक पर लदा 42 कुंतल के आसपास का प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ा है, जिसकी कीमत 2.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉलीथीन को प्रतिबंधित करने के बावजूद पैसों के लालच में बड़े बड़े व्यापारी दूसरे प्रदेश से प्रतिबंधित पॉलीथीन मंगाकर महानगर सहित अन्य जनपदों के थोक व्यापारियों को बेचते हैं। सवाल यह है कि ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी से चंद कदम दूर इतनी भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन का खेप उतर रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी जरा भी भनक ना थी। प्रवर्तन दल की टीम द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सूचना मिलने पर सोमवार को प्रवर्तन प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने अपनी टीम के सदस्यों को लगाया और 3 दिन के अथक प्रयास से आज सबसे बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित महुआ बंधे पर एक ट्रक नंबर GJ15 AT 8855 से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन लदा है। मौके पर पहुंचने के बाद ये बात साबित हुई कि पॉलीथीन के कारोबारी इसे ठिकाने लगाने की फिराक में थे, तभी प्रवर्तन दल की टीम ने धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि ये माल गुजरात से आया है। इस ट्रक पर 170 बोरी में प्रतिबंधित पॉलीथीन है। 25 किलो के बंडल की एक बोरी है। पकड़े गए पॉलीथीन की कीमत लगभग 2.5 लाख से ज्यादा है। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, कौन क्वालिटी है? गुजरात का हो गया। मिर्याली जाओगे क्या? लादो लादो। हाँ, मिर्याली जाओगे। कौन हो? अनिल। अनिल। फोटो है जिसने। तो लेके चलो, उस वाली गले में जितना भर सकते हो, जितना भर गया भाई, उतर भरा। हेलो, ध्यान नहीं बिल टीम में। बिल टीम में है? बिल्डिंग कॉपी में उसका फोटो दिखो। भी लेंगे फोटो नहीं। हाँ, क्या दीजिए जैसा बताएंगे भाई। बोलो पूरा अब फोन क्या बता रहा है हमें तो अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ से सामान आया। हम तो सही बताऊँ कहाँ से आपने आपने किसी को पैसे दिए होंगे ना, किसी फैक्ट्री को तभी तो सामान दिया। और कब कब चला वहाँ से हलू? दो दिन। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अगस्त कुमार। अगस्त कुमार कहाँ गए? सिद्धार्थ नगर। और ड्राइवर का क्या नाम है? जुनेद अहमद। जुनेद अहमद। तो ड्राइवर कहाँ गया? नगर निगम गोरखपुर लगातार अपनी प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि लोगों की आदत में परिवर्तन लाया जाए, और इसके लिए जहां एक ओर हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कड़ी से कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज ETF टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं। कहीं से सूचना मिली थी कि ट्रक प्लास्टिक से भरा हुआ, पॉलीथीन से भरा हुआ आ रहा है, और इन लोगों ने सारी रात जागकर उस ट्रक को पकड़ने में की कोशिश की और इनको सफलता मिली, और सुबह सुबह एक ट्रक पकड़ी गई है जिस पे पॉलीथीन लदी है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पॉलीथीन को छिपाने के लिए पीछे कोई और माल लाते हैं और उससे छिपा कर फिर पॉलीथीन लाते हैं।
हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रक पकड़ा गया है, इसे भारी से भारी जुर्माना किया जाएगा। और यह भी देखा जाएगा कि यदि ये रिपीटेड ऑफेंडर हैं, ये इन्होंने पहले भी इस तरह की कोई गलती की है, तो उनके विरुद्ध उचित धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई कराएंगे, FIR दर्ज। ये कुल लगभग 42 क्विंटल पॉलीथीन पकड़ी गई है और इसकी बाजारू कीमत आप निकाल सकते हैं, मुझे ज्ञात नहीं कि बाजारू कीमत क्या है पॉलीथीन का, लेकिन 42 क्विंटल पॉलीथीन पकड़ी है। ये ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के आसपास टीम ने अपना जाल बिछाया था और सारी रात काम करने के बाद महेवा पे इसको पकड़ा गया। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये नियमित रूप से कार्रवाई हमारी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारी कोशिश ये है कि इस नगर निगम को हम पॉलीथीन से मुक्त कर दें। आप देखते हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और पॉलीथीन के प्रयोग में काफ़ी गिरावट भी आई है, लेकिन जब तक हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का, हमारे सम्मानित नागरिकों का हमें सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हमारी कोशिश अधूरी रहेगी। तो हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें और जो लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल दुकानदार कर रहे हैं उनके विरुद्ध लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। ये दो व्यक्तियों का माल बताया जा रहा है और एक श्री अजय कुमार गोयल हैं और दूसरे फहद प्लास्टिक के कोई मालिक हैं। जितनी सूचना एकत्रित हो पाई है उसके अनुसार यही है, दो लोगों का माल है और दोनों लोगों के ऊपर भारी से भारी जुर्माना किया जाएगा।